أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله العظيم। आज हम ईद के हवाले से चंद बातें समझेंगे, यानी बकरा ईद यानी ईद उल अज़हा के हवाले से चंद बातों का याद रखना ज़रूरी है, इसलिए मुनासिब समझा उन बातों को अर्ज़ कर दो। पहली बात जो हमने याद रखनी है वो है अय्याम तशरीक। अय्याम तशरीक जो हैं ये 5 दिन बनते हैं और इन दिनों के अंदर एक तकबीर कही जाती है जिसको तकबीर तशरीक कहते हैं। वो तकबीर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد इन अल्फाज के साथ है। और इसका आगाज़ कब होता है तो 9 ज़िलहज्जा की फजर से 13 ज़िलहज्जा की असर तक ये अय्याम तशरीक हैं। जैसे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, काना युकब्बिरु फ़ी यौम अरफ़त मिन सलाति सुबह इला आखिरी अय्याम तशरीक सुम्मा युमसिकु सलात अल असर, कि वो ये तकबीर कहा करते थे 9 ज़िलहज्जा की सुबह से 13 ज़िलहज्जा की असर तक। तो ये हर मर्द और औरत आकिल बालिग पर ये तकबीर कहना लाजिम है। ये तकबीर कब पढ़ी जाएगी? जब फ़र्ज नमाज का सलाम फेरेंगे तो एक मर्तबा बुलंद आवाज़ से पढ़ना ज़रूरी है। ख़वातीन आवाज़ को पस्त रखेंगी और मर्द जो है वो बुलंद आवाज़ से एक मरतबा इसको पढ़ेंगे। दूसरी बात जो हमने याद रखनी है कि 10 ज़िलहज्जा की जो रात है, रात पहले होती है दिन बाद में, तो 10 ज़िलहज्जा की रात के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन قام ليلة العيدين मुहतासिबा लिल्लाही लम यमुत कल्बुहु यौम तमूतुल कुलूब। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने ईदैन की रातों को क़याम किया सवाब की नियत से अल्लाह को राज़ी करने के लिए, तो उसका दिल उस दिन नहीं मरेगा जिस दिन तमाम लोगों के दिल मरे हुए होंगे, यानी क़यामत के दिन उसका दिल ज़िंदा रहेगा। गोया के इस रात के अंदर क़याम करना, दुआ मांगना, इबादत में ये रात गुजारना, गोया क़यामत के दिन मरने के बाद इंसान के लिए वो बायस रहमत बन जाएगी वो रात। इसलिए इस रात को ज़ाया नहीं करना चाहिए बल्कि इसमें क़याम की कोशिश करनी चाहिए। तीसरी बात दिन के हवाले से कि ये जो दिन 10 ज़िलहज्जा का आएगा, 10 ज़िलहज्जा के दिन के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा आमिला इब्नु आदम मिन आमल यौम नहर अहब्बा इलल्लाह मिन इहराक दम।
कि 10 ज़िलहज्जा के जितने भी नेक आमाल हैं उनमें से सबसे महबूब अमल अल्लाह ताला को कुर्बानी का है। तो अल्लाह ताला वुस्सत अता फरमाए तो इस दिन ज़रूर कुर्बानी करनी चाहिए। अब ये जो कुर्बानी हम करते हैं ये क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा हाज़िहिल अज़ाही, ये कुर्बानी है क्या? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाल सुन्नत अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। फिर सहाबा ने अर्ज़ किया, क़ालू फ़मालाना फ़ीहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह के रसूल, इस कुर्बानी में हमारे लिए क्या है? क़ाल बिकुल्ली शअरतिन हसना, फरमाया कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में अल्लाह तुम्हें एक नेकी अता फरमाएंगे। कुर्बान जाए अल्लाह की ज़ात पर, कुर्बानी की हमें इतनी सहूलत दे दी कि उस कुर्बानी का गोश्त भी खुद ही खाना है, दूसरों को भी खिलाना है, लेकिन साथ क्या फरमाया कि हर बाल के बदले में अल्लाह तुम्हें नेकी अता फरमाएंगे। तो जो हम कुर्बानी में जानवर करते हैं उनमें से हारे के बाल तो नहीं होते, कुछ जानवर ऐसे हैं जिनकी ऊन होती है। तो सहाबा ने कहा, क़ालू फ़स्सूफ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऊन का क्या हुक्म है? क़ाला बिकुल्ली शअरतिन मिनस्सूफ़ हसना, फरमाया कि ऊन के भी हर बाल के बदले में अल्लाह नेकी अता फरमाएंगे। तो इससे मालूम हुआ अगर ऊन वाला जानवर किया जाए तो इंसान के बालों के लिहाज से नेकियां बढ़ जाती है। तो ये कुर्बानी के हवाले से फरमा दिया, और बल्कि एक हदीस मुबारका में तो इरशाद फरमाया कि उस जानवर का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह कबूल फरमा लेते हैं और रज़ा का ऐलान करते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के सारे गुनाह मुआफ़ फरमा देते हैं। एक और हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया कि क़यामत का दिन होगा, अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देंगे तो इसका क़ुरबान किया हुआ जानवर इसके अपने सींगों, बालों और खुरों के साथ, यानी उसको दोबारा ज़िंदा किया जाएगा और इस बंदे के नामामाल में रख कर उसका वज़न किया जाएगा। तो इसलिए जब क़ुरबानी करनी ही है तो इंसान को खुश दिली से, खुशी से इंसान को कुर्बानी करनी चाहिए। और जब जानवर कुर्बानी में किया जाए तो मोटा ताज़ा जानवर, ऐसा जानवर कि जो तुम्हें ख़ुद भी पसंद हो। जैसे मैंने आयत पढ़ी थी तो इसमें अल्लाह ताला ने यही फरमाया कि तुम्हें नेकी तभी मिलेगी जहाँ तक कि तुम अल्लाह की राह में वो चीज़ खर्च कर दो जो तुम्हें महबूब हो। इसलिए मोटा ताज़ा जानवर, जानवर जो देखने में भी खूबसूरत लगे, वो जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान करना चाहिए, क्योंकि जब वो हमें महबूब होगा तो यकीनन वो अल्लाह को भी महबूब। इसलिए कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दो मेंढे ज़बह किया करते थे तो वो मोटे ताज़े होते थे। तो इसलिए हमें भी ऐसा जानवर जो महबूब हो वो ज़बह करना चाहिए। आखिरी बात कि ये जो हम कुर्बानी करते हैं तो ये कितने दिन कुर्बानी करनी है? तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 3 दिन है, यानी 10 ज़िलहज्जा, 11 ज़िलहज्जा और 12 ज़िलहज्जा। पहले दिन तो ये शर्त है कि कुर्बानी जब ईद नमाज हो जाए तो उसके बाद कुर्बानी की जाए, लेकिन उसके बाद आप दिन में भी कुर्बानी कर सकते हो, रात में भी कर सकते हो। अल्लाह ताला हमारे इस कुर्बानी के अमल को कमा हक़ कबूल व मंजूर फरमाए, कमा हक़ अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह अपनी रहमत खासा फरमा कर इसको कबूल फरमा ले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।